आज हमारे साथ जन अधिकार पार्टी के मोनू कुशवाहा जी जुड़ चुके हैं। तो मोनू कुशवाहा जी, आप मुझे ये बताइएगा कि आपकी जन अधिकार पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा जी का 31 तारीख को प्रोग्राम बुधना में लगा है, तो इसमें क्या नीतियाँ रहेंगी और प्रोग्राम की तैयारियाँ तो बहुत की जा रही हैं, कुछ स्पष्ट तरीके से बताइएगा। जैसे कि अंशु जी, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो आप आए और समय निकाला। माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी जो हमारे जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपके विधुना की धरती पे दिनांक 31 अक्टूबर को दिन रविवार को एक बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें कि हमारे शोषित, वंचित, दलित, पिछड़े और जो जो भी समाज है जिनको भी अभी तक हक और हिस्सा नहीं मिला है, सारे समाज बड़े पैमाने पर बड़ी तादाद में हम लोग इस विधुना की धरती पर माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी के लिए इकट्ठा होंगे। विधुना की धरती पे सर्व समाज के लोग आ रहे हैं, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे शोषित हो, चाहे वंचित हो, वो अपने मसीहा जन अधिकार पार्टी के संस्थापक माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी को सुनने के लिए बड़े पैमाने पे लोग इकट्ठा होंगे। हमारे सभी समाज के सभी धर्मों के लोग आएंगे, क्योंकि जिन लोगों को अभी तक सत्ता और शासन में हक और अधिकार नहीं मिला, वो लोग बड़े पैमाने पर यहाँ पर इकट्ठा होने वाले हैं। सर, क्या भागीदारी संकल्प मोर्चा के तहत यह प्रोग्राम होगा या फिर आपकी जो जन अधिकार पार्टी है तो जन अधिकार पार्टी के बैनर तले ये प्रोग्राम होगा, स्पष्ट करिए। अंशु जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक वर्ग प्रतिनिधि सम्मेलन होने जा रहा है, ये केवल और केवल जन अधिकार पार्टी के बैनर तले होने जा रहा है इस विधुना की धरती पे। इस कार्यक्रम के जो संयोजक हैं हमारे पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष आदरणीय श्री संजीव साक्य जी, वो इस समय जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं। आपको क्या अंदाजा रहेगा, आप लोग यहाँ अपनी कितनी ताकत को दिखाएंगे? अंशु जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अंदाजा तो उन लोगों का लगाया जाता है जिन लोगों को सत्ता और शासन मिल चुका है, लेकिन आज देश और प्रदेश में 80 से 85% लोग ऐसे हैं जिनको ना तो कभी सत्ता मिली, ना कभी नौकरी मिली, ना कभी चाकरी मिली, ना कभी ठेकेदारी मिली, ना कभी कोटेदारी मिली। वो सारे लोग 80 से 85% की जो जनसंख्या है, बड़े पैमाने पे इस विधुना की धरती पे इकट्ठा होने का काम करेंगे और माननीय बाबू सिंह की जनसभा को लाखों की तादाद में लोग आएंगे और उनके उस जनसभा को सफल बनाने का कार्य करेंगे। इस जनसभा में आपके मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे तो यही हैं कि किसान को उसकी फसल का दोगुना, जो मोदी जी ने वादा किया था कि किसानों का हितैषी सरकार है, और ये जो काले कानून बनाए हैं, इन काले कानूनों को हम हटाना चाहते हैं, और जो मजदूर के खिलाफ कानून बनाया है, और ये जो नई शिक्षा नीति बनाई है, इन सब मुद्दों के एवज में हम लोग इकट्ठा होंगे और अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करेंगे। क्योंकि हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये दिल्ली के बॉर्डर पे हमारे किसान भाई बैठे हैं, जिस दिन ये हार गए तो इस देश का किसान, मजदूर, गरीब हार जाएगा। और जब हमारे किसानों को ये काले कानून पसंद नहीं है, तो ये मोदी सरकार, ये जो गूंगी बहरी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, ये हमारे किसानों भाइयों पे ये कानून जबरदस्ती क्यों थोपना चाहती है। टाइम न्यूज़ का और अंशु जी का खासकर बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो आपने समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद।